दोस्तों, जब इतनी चकाचौंध हो तब अंधेरे की बात करना थोड़ा गैर मौजू है, लेकिन असल में ये चकाचौंध उस अंधेरे को छुपा रही है या ढांपने की विफल चेष्टा कर रही है जो अंधेरा बढ़ रहा है। उस अंधेरे का एक बहुत ही दर्दनाक बयान हर्षमंदर से आपने सुना। मेरा क्षेत्र थोड़ा सा सीमित है संस्कृति का, लेकिन वो संस्कृति का क्षेत्र जो है वो उन सब शक्तियों से प्रभावित होता है, उन सब प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है जो बाहर हैं तथाकथित संस्कृति के क्षेत्र के। असल में तो इस सरकार ने एक नई हिंसक नागरिक शैली को विकसित करने की चेष्टा की है, जिसका बयान हर्षमंदर ने बखूबी किया है, तो मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। ये पहली बार हो रहा है कि ये नागरिक शैली अब मान्यता पा रही है। इसको पुलिस का समर्थन है, मंत्री लोग हार पहनाते हैं और जब जूते पड़ते हैं तो कहते हैं कि अगर इससे ये नतीजा निकला हो तो भाई और कौन सा नतीजा निकाल सकते हैं हम, वो क्या करने ऐसे उन्होंने क्या किया था कि आप उनको हार पहनाते। हमारे मित्र थे रघुवीर सहाय, उनकी एक कविता थी कि गरीबी के माने नए हो गए हैं, अब अपमान उसमें नहीं रह गया है। तो अब इस नागरिक शैली के माने नए हो गए हैं, इसमें शर्म हया नहीं रह गई, तो किसी को शर्म नहीं आती। इतनी बेशर्म सांस्कृतिक नीति अपनाई जा रही है और किसी को इस पर एतराज़ होता नज़र नहीं आता। तो जो सिविक, इसका भी बयान हो चुका है कि जो सिविल समाज है उसको हर तरफ से बांटने की कोशिश की जा रही है। हिंदू अधिक कट्टर हिंदू हो गया है और मुसलमान अधिक कट्टर मुसलमान हो गया है, और हम एक दूसरे पर शक कर, ये पहली बार हुआ है कि हर नागरिक दूसरे नागरिक का जासूस हो गया है कि हम ये सारा क्या कर रहा है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसका, उसमें भी लोग एक दूसरे पर ताक लगाए हुए हैं कि ये उसका आदमी है क्या, ये फलाने का आदमी है क्या, ये किसका आदमी है। अभी तक वो तय नहीं कर पाए कि मैं किसका आदमी हूँ, लेकिन बहरहाल मैं कितना क्या हूँ। सारी संस्कृति, मैंने एक पुस्तक संपादित की इंडिया डिसेंट्स, जिसमें मैंने वेद से लेकर अभी हाल तक यानी 3000 वर्षों की भारतीय परंपरा के नमूने पेश किए हैं, और ये कहने की कोशिश की है कि असहमति जो है वो कोई हमको भारतीय संविधान का उपहार नहीं है, ये हमारी परंपरा का अंग है और शुरू से रहा है। अगर ऐसा ना होता तो अलग अलग धर्म क्यों बनते। कम से कम 3 धर्म तो असहमति से पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में। अगर हिंदू धर्म इतना ही सर्वसंतोषी था तो फिर बौद्ध धर्म क्यों आया, जैन धर्म कहाँ से आ गया, सिख धर्म क्यों ज़रूरी हुआ, और इनमें से कम 2 धर्म ईश्वरहीन धर्म हैं। इसी देश में संभव था कि आप 2 ईश्वरहीन धर्म प्रस्तावित करते हैं, बौद्ध और जैन, उनमें ईश्वर की कोई परिकल्पना नहीं है। और बाद में बुद्ध को ईश्वर बना दिया, वो और बात है। तो ये सब इन, और फिर संस्कृति का संबंध भाषा से है। सबसे अधिक नुकसान भाषा का हुआ है। सार्वजनिक संवाद की भाषा जितनी भ्रष्ट, गाली गलौज भरी, झगड़ालू, हिंसक, और ये तब हो रहा है जब गांधी जी के 150 वर्ष शुरू होने वाले हैं। जो आदमी वक्ता तक नहीं था, बुदबुदाता था। अगर आपने कभी गांधी जी के रिकॉर्डिंग सुनी हो तो गांधी जी जवाहरलाल या मौलाना आज़ाद वगैरह के मुकाबले बहुत ही ख़राब वक्ता थे, लेकिन उस बुदबुदाहट को सारा देश सुनता था और दहल जाता था। और अब
शिखर से लेकर नीचे तक झूठ बोल रहे हैं, हर दिन झूठ बोल रहे हैं। ऐसे लोग हो गए हैं शिखर पर जिनका बिना झूठ बोले संभवतः खाना पचता ही नहीं। झूठ की इतनी महिमा पहले कभी नहीं हुई इस गण लोकतंत्र में, और झूठ इतनी बेशर्मी से बोलो, मगहर जाके कबीर के बारे में झूठ बोलो। क्या कहा? 200 बरस पहले हुए थे गोरखनाथ, और उसी मठ का बैठा हुआ है वहां योगी, जिसकी हिम्मत नहीं हुई उस चापलूस योगी की कि कहे कि नहीं ये गलत है। 200 साल पहले हुए गोरखनाथ, 200 बरस बाद हुए गुरु नानक, और तीनों को एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक अतिक्रमण में मिला के बैठा दिया मगहर में आध्यात्मिक चर्चा करने। गुरु नानक के साथ और गोरखनाथ के साथ, कबीर गोरखनाथ, कबीर तो बेचारे थे ही वहां, उनका क्या करते। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है वो न केवल भारतीय संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध है, लोकतंत्र के विरुद्ध है, वो भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के भी विरुद्ध है। इनमें से किसी में इसकी इजाजत नहीं है जो हो रहा है। मैं कई बार ये कह चुका हूँ, इसको दोहराना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस्लाम को कम खतरा है, हिंदू धर्म को ज़्यादा बड़ा खतरा है। हिंदू मरेंगे इस हिंदुत्व में अगर उन्होंने इसको हिंदू धर्म का विकल्प मान लिया। उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। अब मैं आता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप बता दीजिएगा मैं फौरन बंद कर दूँ। ज्ञान विरोध इस सरकार का और अज्ञान प्रेम, ये दोनों एक साथ। तो ज्ञान के जो बड़े इदारे थे, बड़े संस्थाएं थीं, मसलन JNU, मसलन हैदराबाद, मसलन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये ज्ञान के बड़े केंद्र माने जाते थे। इन सब पर हमले हुए। ये हमला अकारण नहीं है। ज्ञान इस तरह की संकीर्णता का सबसे बड़ा शत्रु है। तो जब ज्ञान के बजाय अज्ञान शिखर पर बैठा है, जो कबीर और नानक और गोरखनाथ को एक समकालीन बना देता है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि ये इससे ज़्यादा ज्ञान विरोधी कोई सरकार नहीं हुई। ज्ञान का विरोध करना इसलिए ज़रूरी है कि जो संकीर्णता, जो नफरत, जो हिंसा फैलाना है, वो ज्ञान के रहते फैलने में कठिनाई होगी। दूसरी बात, इतिहास का बड़ा प्रेम है, तो इतिहास बदलो। कौन जीता कौन हारा, ससुरा राणा प्रताप ही जीत गया। हाँ, तो लेकिन वो जीत गया कि नहीं जीता ये तो अलग बात है। पाठ्य पुस्तकों में इसको भर दो। मैं कई बार कहता हूँ कि हाँ बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है, गंदगी हटाओ, तो गंदगी सड़कों से तो हटा दोगे पर कहीं तो रखना पड़ेगी, तो दिमाग में भर दो, क्योंकि दिमाग तो है ही। तो ये जो दिमाग में गंदगी भरना है, इसके दीर्घकालीन परिणाम होंगे। हम एक स्वच्छता अभियान के द्वारा एक अस्वच्छ लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जरा देखिए हाल के। संस्कृत प्रेम शुरू में बहुत प्रकट हुआ कि संस्कृत हमारे यहाँ बहुत सारी शास्त्रीय भाषाएं हैं, फारसी, अरबी और भी दूसरी भाषाएं हैं। हाँ हाँ, 5 मिनट तो बहुत है, निंदा करने हंसी उड़ाने में 5 मिनट तो बहुत है। पर बहरहाल कुछ नहीं किया। संस्कृत एक महान भाषा है, फारसी एक महान भाषा है,
इनमें ज्ञान का कि अपार संपदा है, इसको टैप करने के लिए, इसको सामने लाने के लिए, इसको सर्वसुलभ बनाने के लिए क्या किया गया? कुछ नहीं। परंपरा, विरासत, प्रधानमंत्री भाषण देने गए, उन्होंने दो बातें कही कि हमारे जो स्मारक हैं उनको जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए? कि हर एक को हर जगह तस्वीर खींचने की, और वो दूसरे दिन लागू भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फटकार लगाई है, और क्या कहा है आपको पता ही होगा, लेकिन मैं सिर्फ उसकी उसका टाइटल पढ़ देता हूँ अगर वो मुझे। हाँ, SC एंग्विश ओवर ताज निग्लेक्ट, शट इट डाउन और डिमोलिश इट। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और ताज की रक्षा करना क्यों जरूरी नहीं है? इसमें भारत सरकार को भी फटकार लगाई गई है और उत्तर प्रदेश सरकार को भी फटकार लगाई गई है, क्योंकि ताज दुर्भाग्य से एक मुस्लिम स्मारक है। 4 साल से आप को कोर्ट में ये केस है, आपसे कहा जा रहा है कि आप प्लान बना कर दें, आप प्लान बना कर नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? ये कौन सा आपका परंपरा प्रेम है? आपने इतने स्मार्ट सिटी वगैरह घोषित कर दिए, 100 स्मार्ट मॉन्यूमेंट्स बनाए जाएंगे, ये घोषित क्यों नहीं किया अगर आपको परंपरा की इतनी चिंता थी? कौन सा मंदिर ही सही आज अधिक साफ सुथरा और लोगों के जाने लायक हो गया? दक्षिण उत्तर भारत में तो सारे मंदिर कचरा घर हैं, बनारस से लेके जहां चले जाइए। उसके लिए क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। परंपरा को बचाने की भी कोई चेष्टा नहीं की। अब आखिर में हर लोकतंत्र कुछ इदारों से चलता है, संस्कृति भी कुछ इदारों से चलती है। तो अब वो जो उसका जो नक्शा है वो तो अंधेरे की अनेक छवि हैं उसमें, आप देख सकते हैं। IGNCA, नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, उसका चेयरमैन कौन है? एक पत्रकार जो राजनीतिक पत्रकार थे, उन्होंने जिंदगी में कभी कला पर एक पंक्ति नहीं लिखी। वो राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं। एक सज्जन अभी हाल में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष बने हैं, जिसका मैं भी 4 बरस बहुनिंदित अध्यक्ष था। उनका नाम किसी ने नहीं सुना है, लेकिन ये तो खैर बहुतों के बारे में कहा जा सकता है। आजकल जो बहुत ही सत्तारूढ़ हैं, कि उनका नाम पहले कभी नहीं सुना था और उम्मीद है कि बाद में भी कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन उनका नाम जब उनका हुआ, तो उनकी जो प्रशस्ति सरकारी तौर पर रिलीज हुई, उसमें कहा गया कि वो उनकी कीर्ति महाराष्ट्र में शिवाजी और गुरु गोलवलकर हाय, अशुद्ध बोलने के लिए मेरी जीभ कट क्यों नहीं जाती? ये भी ससरी हिंदू जीभ है। गुरु गोलवलकर की मूर्तियां बनाने की उनकी कीर्ति है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, उसके जो अध्यक्ष हैं वो मध्य प्रदेश में पत्रकार थे। मैं मध्य प्रदेश सरकार का सूचना सचिव, सूचना संचालक था अनेक वर्षों। वहाँ ऐसा कोई पत्रकार हो नहीं सकता जिसको मैं न जानता हूँ, पर मैंने बलदेव भाई का नाम ही सुना था। मैं मान लेता हूँ कि मेरी अज्ञान की सीमा है, ज्ञान तो सब उधर चला गया है। तो फिर मैंने सोचा कि ये है क्या, है कौन ये? पता चला उनकी पुस्तक से उनका जीवन में एकमात्र संबंध ये है कि उन्होंने फिर उसी गुरु गोलवलकर की जीवनी लिखी। कांग्रेस के ज़माने में भी और सरकारों के ज़माने में भी गलतियां होती थी और बहुत सारी मुश्किलें होती थी, पर ऐसे उल्लू के पट्ठों को तो नहीं बैठा दिया। मैं उल्लू के पट्ठे मतलब गाली नहीं दे रहा हूँ, मुहावरे में कह रहा हूँ, यानी जिनका जिस क्षेत्र से कोई संबंध ही नहीं है। एक बार मैंने 2 प्रधानमंत्रियों से ये पूछ चुका हूँ कि आप एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एटॉमिक एनर्जी विभाग का सचिव किसी
गैर वैज्ञानिक को बना देंगे। तो मनमोहन सिंह ने भी कहा कि नहीं, और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि नहीं, लेकिन हमने कहा फिर आप संस्कृति में किसी को भी सचिव क्यों बना देते, वो भी तो एक तकनीकी मामला है, उसकी भी तो कुछ जानकारी होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आईएएस अफसर है वो हरफन मौला हो गया, पर वो अलग विषय है। सिविल सेवाओं का, जिसके हम लोग कम से कम 3 यहाँ सदस्य बैठे हुए हैं, ऐसा नैतिक अधःपतन कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। ऐसी हमारे संस्कृति मंत्री, जिनको मैंने उस समय विसंस्कृति मंत्री की अभद्रता का उल्लेख करते हुए कहा था, उन्होंने कहा था कि अब्दुल कलाम के नाम पर ये सड़क करना बहुत उचित है, क्योंकि वो एक मुसलमान होने के बावजूद राष्ट्रवादी थे। ये हमारा तो ज्ञान की इस समय पराकाष्ठा है, इसलिए हम लोग जो थोड़े बहुत अज्ञानी हैं, अंधेरे में दुबक रहे हैं, कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमारा हमारे अंतःकरण में जो थोड़ी सी लौ बची हुई है वो फिर भी बची रहे।